की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है। लालकुआ महादेव सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यहां वैश्विक महामारी के दौर में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को देखते हुए महादेवा सेवा समिति द्वारा लालकुआ के बंगाली कॉलोनी स्थित माँ काली मंदिर के समीप समुदाय भवन में यह आयोजन किया गया, जिसमें कुल 70 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं कुछ युवाओं ने जीवन का पहला रक्तदान कर सुखद अनुभव किया। आमजन को रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों में जुड़ने का संदेश दिया। समिति के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। महादेवा सेवा समिति के तत्वावधान में हमने ब्लड बैंक कैंप लगवा रखा है यहाँ पे, और अभी 120 ब्लड बैंक कैंप की हमने लक्ष्य रखा था ब्लड की। अभी तक का 40 यूनिट हम लोग दे चुके हैं, और अभी भी जो समिति के सदस्य हैं और जो डोनेटर हैं वो आ रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे। हाँ, जो आज कोरोना टाइम में जो जिस प्रकार की ब्लड बैंकों में कमियाँ दिख रही हैं, हमारे प्लाज्मा की कमी हो या ये ब्लड बैंक में ब्लड नहीं मिल रहा है, उसी को देखते हुए महादेवा सेवा समिति ने ये कैंप लगाया है। और महादेवा समिति का ये मुख्य उद्देश्य यही है, जो कोरोना के टाइम में ये जो इस समय वंचित रह जा रहे हैं लोग, वहाँ पे हॉस्पिटल में जा रहे हैं मगर उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वो उनकी पूर्ति के लिए ये कैंप लगाया गया है।